अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। यूं तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक के बाद एक बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे निरहुआ हो, अमरपाली दुबे, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, मधु शर्मा, रानी चटर्जी, सभी लोग जानते हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फोटो दिखाएंगे जिसके बारे में आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों देख सकते हो ये फोटो, जिसमें एक तरफ काजल राघवानी, दूसरी तरफ शुभी शर्मा नजर आ रही हैं। इन दोनों हसीनाओं के बीच फंसा ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। जी हाँ, हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इस आदमी का नाम है पवन पांडे। जी हाँ, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन राइटर है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन, और खेसारी लाल यादव के बहुत बेहतरीन दोस्त है। दोस्तों खेसारी लाल यादव के जितने ही बड़े गाने हैं उन सभी को पवन पांडे द्वारा ही लिखा जाता है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कई गानों में आप लोगों ने पवन पांडे की चर्चा सुनी ही होगी। पवन पांडे की बात की जाए तो छपरा से इन्होंने पढ़ाई की है, पटना के रहने वाले हैं। इनके जन्म की बात की जाए तो 25 फरवरी 1991 को उनका जन्म हुआ था। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप के राइटरों में से एक है इनका नाम पवन पांडे। इन पर काफी बेहतरीन तरीके से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मरता है और काफी बेहतरीन तरीके से खेसारी लाल यादव और बड़े बड़े स्टारों को गाना लिख कर देते हैं। दोस्तों बहुत से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने हैं जिसको पवन पांडे ने ही लिखा है। दोस्तों आप लोगों को खेसारी लाल यादव का एक गाना याद ही होगा, जिस गाने का नाम मिलते मरद हमका भूल गयलू, उस गाने को पवन पांडे ने ही लिखा। पवन पांडे की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को बहुत से गाने दे चुके, लगभग 100 से ज्यादा गाना खेसारी लाल यादव को सुपर डुपर हिट दे चुके हैं पवन पांडे। तो दोस्तों ये थी आपके सामने पवन पांडे की जिंदगी की कहानी।